फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो बस वहाँ पे मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, उसके बाद जो है थकी थी तो कुछ बनाने का टाइम नहीं मिला था, और बहुत ज़्यादा थकी थी तो मैंने कहा अब क्या बनाऊँ, तो क्यों ना बस पार्टी कर ले, क्यों अम्मी। तो इसलिए फिर बाहर से मंगवा लिया सब कुछ, तो बस अभी खाएँगे। आप लोगों ने खाना है तो प्लीज़ आ जाएँ। क्यों अम्मी, आपको पसंद है पिज़्ज़ा? हैं पिज़्ज़ा बर्गर अच्छे लगते हैं कि नहीं? तो अम्मी जो है उन्हें इतना मतलब ये सब अच्छा नहीं लगता, फास्ट फूड वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हैं। हम लोग ही हैं जो फास्ट फूड की तरफ जाते हैं। हम लोग फिर भी अम्मी को करते हैं कि कोई बात नहीं अम्मी, खा लो खा लो, तो थोड़ा बहुत खा लेती है ना अम्मी, थोड़ा बहुत खा लेती हैं, ज़्यादातर नहीं खाती। हाँ ज़्यादा नहीं खाती, फास्ट फूड इतना पसंद नहीं है। तो बस चले फिर शुरू करते हैं, फिर खा के तो फिर आपसे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सब काम हो चुके हैं, सफाइयाँ वगैरह डन हो चुकी हैं, घर वगैरह धो लिया था मैंने। ये पोछा मैंने इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि पानी फ्रिज के नीचे से आ रहा है, तो फ्रिज के पीछे पानी जब मारती हूँ ना तो वो फिर वाइपर तो लगाते हैं लेकिन ना उसके नीचे से फिर आता रहता है, तो फिर वो पानी जब वो बाहर निकलता रहेगा तो उससे क्या होता है कि पाँव फिर लगते हैं, फिर वो पूरे घर में गंद फैलता है। तो इसलिए बेटर है कि आप यहाँ पे कपड़ा रख दें। तो मैंने कपड़ा रख लिया, बस वो जब सोख कर लेगा सारा वाटर तो बस फिर वो उठा लूँगी। तो घर सारा साफ़ हो चुका है। कहा को मैंने पहले ही सुबह सुबह नहला दिया था, नहला के अभी मैंने उसको सुला दिया, उसको क्या क्योंकि वो बहुत तंग कर रहा था मुझे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने घर का काम किया, उसकी दादा ने उसको उठाया और उन्होंने संभाला हुआ था। तो बस अभी जो है मैंने फटाफट काम करके उसको भी दोबारा से मैंने सुला दिया, सुला के बस अभी यही है कि करूँगी खाना वगैरह बनाने लगी, हांडी वगैरह बना लेती हूँ, बस हो रहा है अगर उठ गया तो फिर वो मुझे बनाने नहीं देगा, तो बस फ़ौरन से हांडी बनाते हैं। सोचा तो आज दाल ही बनाने को क्योंकि कल सब्ज़ी बनाई थी, भिंडियाँ बनाई थी मैंने कल, तो आज दाल का ही डे बनता है, तो बाकी देखते हैं कि क्या बनाती हूँ क्या नहीं। दाल का ही सोचा है मैंने, तो दाल बनाते हैं, साथ में सोच रही चावल बनाती हूँ। अगर टाइम मिला, अगर तहस होया टाइम मिला तो डेफ़िनेटली मैं बना लूँगी, अगर नहीं टाइम मिला तो डेफ़िनेटली बस फिर दाल करूँगी। ज़्यादा ताम झाम करने की आज हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि घर धो जाना तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है जब सारा घर धो ना सारी चीज़ें। तो कल रात को ये थोड़ा सा टाइम मिला था मुझे, तो मुझे मेहंदी का ना बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं खुद ही मेहंदी लगाती हूँ। तो रात को बस ये बैठ के तहस हो गया था, तो बस ये बैठ के तो मैंने खुद ही मेहंदी लगा ली। राइट लेफ्ट से राइट पे नहीं लगती लेकिन राइट से लेफ्ट पे तो लग सकती है ना, क्योंकि मैं राइट हूँ, राइट हैंड से काम करती हूँ, तो इस वजह से सिर्फ इसी हाथ पे या सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे मेहंदी में लगा लेती हूँ जॉब, क्योंकि मुझे मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो कौन किसी के पास बार बार जाता रहे, तो इसलिए मैं खुद ही अपने मेहंदी जो है करती रहती हूँ, छोटे मोटे डिज़ाइन डाल लेती हूँ, दिल ही खुशी हो जाती है कि हाथ में मेहंदी लगी हुई है। तो बाकी आप लोग साथ बने रहिए। बस तो मैंने भी दोनों दालें निकाल ली हैं, मूंग की दाल और मसूर की दाल, दोनों मिक्स करके बना दी थी, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी से ये हो भी जाएगा। बाकी किचन देखिए मेरा कैसे नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, कितना अच्छा लग रहा है ना, बर्तन भी धुले हुए हैं, ईच एंड एवरी थिंग साफ़ सुथरी पड़ी हुई है। ऐसे किचन हो ना तो मज़ा भी आता है आपको काम करने का। दूसरा मुझे साथ साथ में बर्तन वगैरह धोती रहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि यहाँ पे अगर मैं काम कर रही हूँ और साथ ही बर्तन, अगर एक छुरी भी मैं गंदी करती हूँ वो भी फ़ौरन से मैं धो के साथ ही फ़ौरन से रख देती हूँ अपनी जगह पर, क्योंकि मुझे जो चीज़ जहाँ से उठाई है उसको वहीं पे रखना पसंद है, और गंद वहाँ पे अगर बर्तन इकट्ठे हो जाएँ उफ मेरी जान जाती है, मैं कहती हूँ बस फ़ौरन से सारे बर्तन धुल जाएँ। तो बस अभी फटाफट से दाल बनाते हैं। तो ये मैंने दोनों दालें निकाल ली हैं, दोनों दालें मिक्स करते हैं, इनको साफ़ करते हैं, धोते हैं और सालन बनाते हैं। दाल मैंने चढ़ा दी है और दाल के बीच में मैं 5 दफ़ा उसको चूल्हा बंद करके उठी हूँ, उसकी वजह ये है क्योंकि ये बार बार उठ रहा था और बस आप फिर ये उठ गया, और ये देखो ज़रा ये हरकतें हैं, बस उल्टे सीधे काम है, बस हर चीज़ तोड़ फोड़ शुरू हो गई है अभी से, ये देख ये सब कुछ बाहर निकला है। हैं जी ऑपरेशन होने लगा है।
तो बस अभी ताहा को संभालते हैं, दाल मैंने चढ़ा दी है, तो बस आगे जो होता है आपको बताती जाती हूँ। फ्रेंड्स, तो बस इसको लेके बैठती हूँ। ताहा के कपड़े धोने तो वाले पड़े हुए हैं, बस वो धोऊंगी। और चावल तो गए, चावल तो नहीं बन सकते आप, क्योंकि आप यही है, इसी को संभालना है, इसको इचको। बस इसी के साथ अब लगी रहूंगी, बाकी आटा वगैरह गूंदा हुआ है तो देखते हैं, अगर या फिर थोड़ी देर सो या तो चावलों के भी कोई टेक्निक लगा लेंगे फटाफट जो बन जाए। दाल तो मैंने चढ़ा दिया, अभी आहिस्ता चूल्हा कर दिया, बस वो होती रहेगी और मैं इसके साथ खेलूंगी। इसके साथ, इसके साथ अब ये गोदी में ठहरता ही नहीं है, तो बस यही है। और बस तहा के कपड़े धोएंगे, बस दैट्स इट। A few moments later. फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं ट्राईपॉड लेने के लिए और जूतियाँ लेने के लिए सदर, तो बस चेक करके तो फिर आपको बताते हैं वापस आके आपको क्या, जो भी अपडेट आपको देती है। रास्ते में वीडियो बनाऊंगी, वो भी आप लोग देखिएगा, इंजॉय करिएगा। अपने लिए जूती देखने के लिए आई हूँ, सदर सदर से ले रहे हैं जूती अपनी, बाकी जो आगे होता है आपको दिखाती हूँ। अभी हम लोग मार्केट में आए हैं ट्राईपॉड देखने के लिए, ताकि मेरी वीडियो और अच्छी हो सके। शर्मा भी लाए थे, है मी शर्मा खाओगी ना? थोड़ा सा नहीं, पूरा खाओगी। शर्मा तो पसंद है अम्मी को, शर्मा तो पसंद है, सबके लिए ले आए थे शर्मे, क्योंकि अभी रोटी में टाइम है, तो अभी हम एंजॉय करेंगे शर्मा। ताहा भी खाएगा। तो बस अभी हम शर्मा एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। जी फ्रेंड्स, तो खाना शाना हो गया, थोड़ा बहुत पेट पूजा हो गई है, शवारमा लाए थे वो, ज़रा खा पी के फारिग हुए हैं, कहा को ज़रा फ्रेश व्रेश किया है। तो आपको मैंने बताया था कि मैं ट्राईपॉड लाई हूँ, तो ये ट्राईपॉड लाई हूँ मैं विद सेल्फी स्टिक विद एलईडी लाइट एंड आल्सो इट्स अ ट्राईपॉड। ये एक न्यू एडिशन है, ये अभी मैंने ऑनलाइन देखा था इसको, तो ऑनलाइन मंगवाने से बेहतर है कि मैं खुद जाके लूँ। ऑनलाइन का ये इशू आ जाता है कि मतलब वो ओपन करके हमें देखने नहीं देते हैं, तो पता नहीं कोई और चीज़ भेज दें, तो डेफिनेटली मुझे खुद जाके देखना था। तो फिर हम लोग गए, तो मेरे और मेरे हस्बैंड ने ये वाला चूज़ किया है। अभी बस ओपन करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ, बाकी यूज़ होगा तो आपको आगे इसके बेनिफिट्स और रिव्यूज़ वगैरह आपको मैं साथ साथ देती जाऊँगी। वैसे मैंने वहाँ पर खोल के ओपन करके इसको हमने देखा है, यूज़ करके भी देखा है, बहुत ही हैंडेडली है, कहीं पर भी ईजिली हम लेके जा सकते हैं, हैंडेड है, और क्या कहते हैं उसे, बहुत ही लाइट वेट है, और एलईडी लाइट स्लो भी हो जाती है, आहिस्ता भी हो जाती है, एंड आल्सो आई थिंक सो इट्स ब्लूटूथ, ब्लूटूथ सिस्टम भी है इसके अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगा है, ऑप्शन लगा है ट्राईपॉड के लिए। मैंने आपको कहा था मैं ट्राईपॉड लूँगी, क्योंकि हाथ ऐसे कर करके बहुत मुश्किल हो जाता है, थक जाता है। ट्राईपॉड से ये है कि मुझे टाइम लैप्स और बाकी चीज़ें करने में भी ईजी रहेगा, और उसको उठाने में भी जो है लाइट वेट होगा, तो मुझे इशू नहीं होगा। तो बाकी अभी खोलते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, तो आपको एक और बात बतानी थी कि वैरायटी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, जब मैं उधर, मैं और मेरे हस्बैंड मार्केट घूमे हैं, तो हमें बहुत सारी वैरायटी मिली है। तो उस टाइम हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट फर्स्ट टाइम है, हमें नहीं पता, अभी अभी स्टार्टिंग है, हमें नहीं पता कि इसमें कितनी चीज़ें आती हैं। उन्होंने हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खोल के रख दिए, हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए। फिर एंड पे हमारे पास ये एक ऑप्शन बचा कि हम लोगों का ये लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग इतना ज़्यादा
इतना ज़्यादा तो नहीं है यूट्यूब, डेफिनेटली थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट किया है, तो जब जैसे जैसे आगे होता जाएगा तो उसमें ज़्यादा चेंजिंग आती जाएंगी। तो बाकी अभी खोलती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर ये डेटा केबल है, ये जो एलईडी लाइट मैंने आपको बताई थी उसको चार्ज करने के लिए, वो चार्जेबल है तो उसको हम चार्ज कर सकते हैं। ये ऐसे पैकिंग में है और ये रहा। साथ में इन्होंने एक ये बुक वगैरह दी हुई है जिसको आप यूज कर सकते हैं, आपको देखने के कैसे इन्होंने बताया हुआ है कि आप इसको कैसे ओपन करेंगे, कैसे मोबाइल वगैरह लगेगा, कैसे बैटरी चार्ज होगी, हमारी हेल्प के लिए। इसको ये ऐसे ओपन करना है हमने, ये इसको ऐसे हम ओपन करते हैं, ये यहाँ से लूज है, ये ऐसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने मोबाइल लगाना है इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, साथ ही आपका मोबाइल अटैच हो जाएगा, इसके अंदर फिक्स हो जाएगा और यहाँ से आप इसको टाइट कर सकते हैं। उसके बाद ये रही ऊपर एलईडी लाइट, ये रही इसके पीछे से लाइट, ऐसे ये ऑन हो जाती है, ऐसे ये और फास्ट हो जाती है एंड देन इसके बाद बंद हो जाती है। ये रहा इसका चार्जिंग का सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था कि साथ एलईडी मिली है, उसकी चार्जिंग केबल मिली है, वो यहाँ पे इसके थ्रू चार्ज होती है। उसके बाद आप इसको ऐसे चेंज भी कर सकते हैं पोजीशन इसकी, अगर आपको जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ तो डेफिनेटली मुझे ऐसे चाहिए, तो इसको मैं ऐसे खोल के यहाँ पे अपना मोबाइल अटैच करूँगी और ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे मेरा मोबाइल। और ये रहा इसके साथ इसका ब्लूटूथ सिस्टम, ब्लूटूथ सिस्टम अगर मेरा मोबाइल कहीं और दूर है इसके अंदर लगा हुआ है तो मैं यहाँ से बटन ऑन करके यहाँ से वीडियो भी प्ले कर सकती हूँ और साथ ही पिक्चर वगैरह भी ले सकती हूँ। तो इसलिए हमें ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, हैंडेड लगा था, कहीं पर भी इजीली जाके हम लोग इसको लेके जा सकते हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। तो ये ऐसे ये ओपन भी हो जाता है, ये ऐसे इतना, जितना आपको ओपन करना है, जितना आपको रखना है, जैसे रखना है आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं, जैसे सिक भी है, जैसे भी है, नीचे नमी देंगे। उसके बाद अगर आपको सिर्फ हैंडल की जैसे कि मुझे चाहिए, उसके लिए ये है कि मैं जस्ट इसको ये और ये यूज़ करूँगी, दैट्स इट, ईजी होगा मेरे लिए इसको यूज़ करना। तो इसके आपको रिव्यू देना था, दैट्स इट, बाकी यूज़ होगा तो आपको डेफिनेटली मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्राईपॉड का रिव्यू दिया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, मैंने अभी अपना मोबाइल इसी पे लगा लिया है। अब आगे अगर कभी तबीयत खराब हुई और हाथ मेरा थका, वैसे तबीयत ना भी खराब हो फिर भी ऐसे मोबाइल का करके हाथ थक जाता है, तो ये ट्राईपॉड बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। बस था हाथ तंग कर रहा है तो क्रैंकी हो रहा है, तो बस अभी मैं उसके पास जाती हूँ जल्दी से। मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ और वीडियो का जो है वो एंडिंग दे लूँ वीडियो की। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।